जानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जब परमपिता परमात्मा, इस्लाम में अल्लाह नूर कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट कहते हैं, सिख लोग एक ओमकार निराकार कहते हैं, तो गॉड इज वन ओनली, ये सबसे पहले इंसान को मतलब बुद्धि में फिट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन के छ मेरे मन में जुन छे मूवी को बीच में एउटा छे यस्तो दृश्य थियो नि, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो एक मानव से जुड़े हुए हैं, आप अपना परिचय देते हो। ओके, देखो ये एक इंटरनेशनल संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और निस्वार्थ सेवा हो रही है। स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, और आज हम खड़े हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे द लाइट नामक मूवी का आज स्क्रीनिंग किया जा रहा है ब्रह्म कुमारी के सौजन्य से। ब्रह्म कुमारी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज समाज में जिस तरह का कार्यभार ब्रह्म कुमारी अपने ऊपर लेकर के अध्यात्म का संदेश जिस तरह का फैलाती है उसके बारे में क्या कहना, आज वैसा ही कार्यक्रम का आज स्क्रीनिंग जो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के सौजन्य से किया गया है। आपको बता दें 3D एनिमेटेड मूवी द लाइट नामक मूवी का आज प्रसारण होने वाला है सेवन किंगडम में। तो आप आइए और आकर के चीजों को विस्तार से समझिए और जुड़े रहें हमारे साथ। हम शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। दुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी। मुस्कुराते ये सफर तुम्हें ले आया है फरिश्तों की दुनिया में। यहाँ चारों तरफ चांदनी सी रोशनी ही रोशनी फैली है। इन मखमली बादलों पर चलना कितना अच्छा लगता है। देखो यहाँ के हसीन नजारे सपनों से भी प्यारे लग रहे हैं। फरिश्तों के भेष में तुम ऐसे लग रहे हो जैसे वो इन मासूम बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रहे हो। तुम्हारे चारों ओर नन्हे नन्हे सितारे जगमगा रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो उस सितारे तक जाना है। ब्रह्म कुमारी के पदाधिकारी जी हैं, आइए एक बार हम उनसे जानते हैं द लाइट मूवीज के बारे में, वो क्या अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करती हैं और क्या संदेश देती हैं समाज को। तो मैम आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो आज जो स्क्रीनिंग हुआ है द लाइट मूवी का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दीजिएगा। ओम शांति। कहेंगे ये कि द लाइट मूवी एक ऐसा मूवी बनाया गया है जो हमारे संस्था के फाउंडेशन पे डिपेंड है, और हमारे संस्था में जैसे ये फाउंडेशन कैसे स्थापना हुआ इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। जैसे जो भी फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमारीज उनको पता होगा कि इन्होंने सबने बुकों में पढ़ा है, सुना है दादियों से, हमारी दीदियों से, पर आज हम लोगों को हॉल में देखने का बाबा ने ऐसा मौका दिया। तो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने इतने अच्छे से बुद्धि लगाकर ये चीज़ को हम सबके बीच में रखा। तो द लाइट मूवी से हम लोग बस इतना शिक्षा मिल रही है कि जो भी फाउंडेशन हमारा संस्था का हुआ वो चीज़ हमने पढ़ा लिखा, लेकिन आज हम लोग हॉल में देखने को मौका मिलेगा। मैम जैसे कि इस मूवी में हमने भी देखा तो इस पे एक दृश्य है, एक जगह है, कुछ समाज के लोग जो हैं वह यह समझ रहे थे कि गृहस्थ जीवन को कहीं ना कहीं ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो है तोड़ रही है, लेडीज़ को और महिलाओं को अलग कर रही है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो चीज़ इसमें दिखाया गया कि ये चीज़ एक गलत फहमी है कि तोड़ रही है। इनफैक्ट आप देखिएगा तो हर चीज़ को जोड़ रही है ना, ज्ञान को दिया जा रहा है कि अपने भी जीवन को फॉलो करे, इस चीज़ को समेटे, इसके लिए दिया जा रहा है, तोड़ने के लिए कोई चीज़ें नहीं बताई गई इसमें, इसलिए वो चीज़ बताया गया कि गृहस्थी लोग भी फॉलो कर रहे हैं इसको। मैम जो युवागण आज नशा में जा रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में जा रहे हैं, उसके साथ साथ पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात कर रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके, उन्हें सत्संग से कैसे जोड़ा जाए, कैसे इस तरह के समाज में आए वो? अभी युवा पीढ़ी को भी तो अपने आप में एक डिप्रेशन होता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने आप से एक संतुष्टता नहीं होती है कि उनको भी डिप्रेशन है स्टडी को लेकर, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो बहुत सा डिप्रेशन, हर चीज़ में हर चीज़ को हर किसी को डिप्रेशन कुछ ना कुछ है। तो एक ऐसी है कि आप इस चीज़ को ज्ञान को अगर एक बार मेडिटेशन के थ्रू लिया जाए कि हम मेडिटेशन के थ्रू
हम वो इस संस्था में आ सकते हैं। तो संस्था में, जो संस्था में आना मतलब ये होता है कि अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना, अपने आप पे जो लाइटिंग है कि आप अपने आप को लाइट समझो, मेडिटेशन करो। एक मेडिटेशन जो है हमारा डिप्रेशन का एक इलाज है, तो मेडिटेशन डिप्रेशन का इलाज है, इसके थ्रू युवा लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग मैम आज कितने लोग आए थे इस मूवी को देखने के लिए? आज लगभग तो 550-600 के करीब में थे। मैम क्या भविष्य में ये संस्था जो है द लाइट मूवी को ओपन टू ऑल स्क्रीनिंग करना चाहेगी, जैसे और भी थिएटर में मूवी लग जाए और सभी देख पाए इस मूवी को? हाँ, हो सकता है, अगर ये भगवान अगर चाहे तो हो सकता है, क्योंकि है तो डायरेक्टर वही, हम सब तो बस कलाकार हैं जो कलाकार कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, द लाइट मूवी संदेश क्या देना चाहती है, संक्षिप्त में आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा ऐसा नाम तो कोमल बहन है और मैं वर्धमान रोड सुखधाम सेंटर में सेवा देती हूँ समर्पित रूप से। और द लाइट संभालना है, सबको संतावना देते हुए संभालना है, वो जो चीज़ें किए हैं वो क्रिएटिविटी हमें अपनी लाइफ में भी लाना है। एक्चुअली 8 ईयर्स। और आपको इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? मेरे लॉ के टीचर्स थे, जो जहाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने जाती थी, जिसका कोचिंग का नाम एक्सपर्ट साइंस सेंटर था और वो बिहार से था, तो मैं वहाँ पे लॉ की पढ़ाई के लिए जाती थी। फिर मुझे तो मैम कैसा लगा आपको द लाइट मूवी, आप अभी प्रभु कुमारी का जो देख के आई, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी पहले तो हम लोग ये कहानी सुना है, लेकिन जब अभी मोशन में एज अ एनिमेशन ये मूवी देखने को मिला तो और भी हम लोगों को इनलाइटनमेंट हो गया और क्लियर हो गया वो कैसे उन लोग स्ट्रगल किया फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्ट हुआ, जैसे बाबा जी पहले उनका कैसा कारोबार था, वो कैसा लाइक हम लोग जैसा आम जिंदगी जीता था, लेकिन फिर उनको कैसे वो अनुभव हुआ और उन्होंने कैसे ये विश्व में ये उनका अपना जो संदेश, जी संदेश था, जो परमात्मा का संदेश था, वो सभी आत्माओं को मैसेज पहुंचाया, वो वाला टू सी इन एक्शन, टू सी इन द मूवी, इट वाज ग्रेट। तो आप किस किस के साथ आई थी? जी मेरा अपना कोलीग्स है, उन लोग भी ब्रह्मा कुमारी का ही फॉलोअर्स है, उन लोगों के साथ हम लोग मिलकर आए। एक बार हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? नेहा राय है। कैसा लगा, आप क्या कहेंगे आपके भावनाओं को? दीदी ने जैसा कहा था मम्मी के थ्रू से, मेरे दीदी का थ्रू हमने सुना था, लेकिन आज मोशन में देखने से बहुत लाइट मिला था। क्या नाम है? विश्वजाना। तो क्या कहेंगे आप, आपको कौन सा इस मूवी में कौन सा पल आपको बहुत ज़्यादा आपको टच किया? ऐसे तो मैं ब्रह्मा कुमारी इसके फॉलोअर्स हूँ, सब मुझे सुना है दीदी लोग से, सब सुनाने सबको सुना ही था, तो मूवी के टाइप में देख रही थे और भी क्लियर हो गया। और बाबा का जो मुझे सबसे टचिंग लगा, जो खाना जिस दिन नहीं था उस दिन परमात्मा ने कैसे करके योजना करके उधर पैसा भी भेजा और खाना भी भेजा, वो सीन मुझे एकदम टच लगा और इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि कभी भी हताश नहीं होना है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने से हमको जो भी हम लोग का कमी कमजोरी है वो सब ऊपर वाला बाबा हमको भेज देगा। मेरा विश्वास और भी टूट हो गया, जितना भी मेरा था मेरे लाइफ में, जितना भी स्ट्रगल में बाबा मेरा साथ है और साथ ही रहेंगे, उस सीन से मुझे और भी स्ट्रांग हो गई हूँ मैं। और क्या कहना चाहते थे बोलिए। नहीं नहीं धन्यवाद। द लाइट मूवी अपने आप में जीता एक इतिहास है, सच पूछो तो ऐसे लग रहा है कि हम पास्ट में चले गए, और इस पास्ट से ऐसे तो हमें पता है कि ब्रह्मा बाबा की जीवनी कहानी, हमारे यज्ञ की कहानी क्या है, लेकिन आज ये देखकर इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, हमें गर्व है कि हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं, और ये भी गर्व है इस मूवी से देखने के बाद लगता है कि जन जन को ये देखना चाहिए। ये भी दिखाया गया इस मूवी में बहुत सुंदर तरीके से कि भले ही कठिनाई आई है ना, सत्य की नाव हिली डुली लेकिन डूबी नहीं, क्योंकि एक परमात्मा का साथ जिसके पास है उसकी नाव कभी डूबी नहीं सकती, ये निश्चय है हम सबको। ऐसे समय में इस मूवी को देखने के बाद आपको जो संदेश मिला, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को यही संदेश देते हैं कि जो हम सामने अभी देख रहे हैं, अभी अल्प में काल में जो हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये दुनिया सच चल रही है, जो दुनिया की बातें हम सुनते हैं वो लगता है कि सच है, लेकिन जब हम इस मूवी को देखते हैं और बहुत गहराई से समझते हैं तो ये समझ में आता है कि नहीं, सत्य एक है और वो सत्य को हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ,
और इस धरती पर क्यों आया हूँ और हमारा असली कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए। तो इस मूवी से हमें बहुत कुछ पता चलता है जो हमें लगता है कि हमें जन जन तक पहुँचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीके नेहा बहन। बहुत मुझसे महसूस ये हो रहा है, हम जो एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। अभी तक हम लोग जानते थे, यहाँ का एक प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है। और परमात्मा क्या है? स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार नाम हुआ हमारा। जी दीपक जी, संक्षिप्त में बताइए हमें इस मूवी को क्यों देखना चाहिए। ठीक है, इस मूवी को हमें देखने के बाद लगा कि हम लोग देखने के बाद कंप्लीट गॉड से कनेक्ट हो जा रहे हैं। जो रियलिटी है ना, जो हमारी नज़रें नहीं देख पा रही है, जो आत्मा को देखना चाहिए वो सच्चाई दिख रही है। हम सभी जो इस शरीर में हैं और आत्मा में हैं, उन्हें कैसा लगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल है। जी तो सोनल मैम, आपको यह मूवी कैसी लगी? ये मूवी अगर सही बोले तो इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा अवेकनिंग है। जैसे हम ब्रह्म कुमारीज में कहते हैं द अवेकनिंग, ये सचमुच ही अवेकनिंग है। क्योंकि जो सत्य है, कहा जाता है गॉड इज़ ट्रूथ एंड गॉड इज़, जो सत्य होता है उसकी नाव हिलती है डुलती है पर कभी डूबती नहीं है। इस पिक्चर को देखकर हर मनुष्य को ये बात समझ आएगी कि ऐसी एक मुहिम जो एक मनुष्य ने स्टार्ट की, लेकिन आज तक अगर वो संसार की सबसे बड़ी एनजीओ के रूप में खड़ी है, इसका मतलब उसके पीछे स्वयं परमपिता परमात्मा है। वो इस मूवी का सबसे कौन सा पल बहुत ही ज़्यादा टच किया, आपकी भावनाओं को झकझोर के रख दिया? वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी मूवी ही एक इमोशनल जर्नी थी, क्योंकि हर सीन जो हम बुक में पढ़ते आए थे उसको हम लाइव देख रहे थे। लेकिन वो पल जिस समय बाबा के मुख से वो जो तीन वाक्य निकले थे, जब ब्रह्मा बाबा के मुख से निकले थे निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, जब परमपिता परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया था, वो सचमुच ही लग रहा था कि हम उस मोमेंट को हम साक्षात्कार कर रहे हैं, हम खुली आँखों से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, हमारे बीच कुछ और भी दर्शक हैं, एक बार आइए हम लोग उनसे भी जानते हैं। तो हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो मूवी? हामीलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो। शुभ नाम? मेरो नाम जया राव नल्ला हो। हजुर, अब के रे, यस्तो ज्ञान हेर्नु पाउनु यो त हाम्रो लागि एकदमै बहुत राम्रो लाग्यो। यो ब्रह्म कुमारीको नाम हामी धेरै दिनदेखि सुनिरहेको छु, तर यो हाम्रो फर्स्ट टाइम आएको हो, जो कि यहाँ प्रोग्राम भयो भनेर हामीलाई बोलाएको। तर उहाँ बाबाले जो गर्नुभयो त्यो हामी सबैले नै त्यस्तो प्रकारले नै एउटा शान्ति ल्याएको चाहिँ बहुतै राम्रो। हजुरसँग एउटा लास्ट क्वेसन के छ मेरो मनमा, जुन चाहिँ मुभीको बिचमा एउटा चाहिँ यस्तो दृश्य थियो नि कि यो ब्रह्म कुमारी जुन चाहिँ छ, गुरु बाबा जुन चाहिँ छ, बाबाको सन्देश चाहिँ खासमा चाहिँ आइमीहरूलाई चाहिँ गृहस्थ जीवनलाई छोडिकन चाहिँ अलग्गै जीवन बसाउनुको लागि प्रेरणा दिँदैछ, के खासमा चाहिँ त्यो हो कि त्यो होइन, के त्यसको बारेमा तपाईँको के भावना छ? होइन, त्यसको लागि भावना त यो हो, हामी एउटा नारी हो, नारी भएर हामी सब कुछै गर्न सक्छौँ, होइन, आफ्नो घर संसार पनि चलाउन सक्छौँ, यस्तो हामी ज्ञानमा पनि जान सक्छौँ। तर नानी के रे, नारी नै त नौ दुर्गाको रूप हो, हामी सब कुछै गर्न सक्छौँ, बहुतै राम्रो लाग्यो। तर नारी अगाडि बढेन भने कोही बढ्न सक्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा सुना ब्रह्म कुमारी के द्वारा इस मूवी को आज स्क्रीनिंग किया गया, द लाइट इस मूवी का नाम है। और इस मूवी को देख करके तमाम दर्शकों के मनोभाव को हमने जाना और समझा। हम ऐसे ही अपडेट्स लेकर के आपके साथ पुनः मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।